और फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान की कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो शमशानेश्वर महादेव जी के मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था और ये वीडियो इसी शिवरात्रि में रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भगवान शिव जी की पूजा करते वक्त वहाँ पर कई सारे नाग आ जाते हैं और ये सब देखकर सारे लोग उन नागों की आशीर्वाद लेने लगते हैं। और ये रहा उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। शमशानेश्वर महादेव का प्राचीन और चमत्कारी सिद्ध मंदिर है जिसमें भोले बाबा की महाशिवरात्रि के दिन स्वयं नागराज अपने परिवार सहित मिलने आते हैं भोले बाबा से। ये यहाँ नागराज प्रकट होते हैं, ऐसा हर वर्ष होता है, सालों से होता आ रहा है, दशकों से होता आ रहा है। अब आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, सब हर हर महादेव के जयकारे लगते रहे हैं, जयकारे नहीं रुके, भक्तों का तांता लगता जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से यहाँ भक्त आते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, स्वयं नागराज हैं, ये यहाँ प्रकट हो जाते हैं महाशिवरात्रि के दिन खास तौर पर, और यहाँ इनको देखने के लिए भक्तों का तांता लगता जा रहा। बाहर बहुत जबरदस्त भीड़ है और ये खास तौर पर महाशिवरात्रि के दिन शमशानेश्वर महादेव की खास आस्था है, ये आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा या आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसके पत्तियों में भगवान श्री हनुमान जी का चित्र बना हुआ है, और ये अनोखा पौधा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और इस पेड़ को हनुमत वीरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये रहा उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। दोस्तों क्या आप इस पेड़ के बारे में जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो में दिए गए जानकारी जानकर कैसा लगा या आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो 3 साल पुरानी है जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति के पास एक बंदर उदासी से बैठ जाता है और देखने से ऐसा लगता है कि वो बंदर हनुमान जी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। और ये रहा उस वीडियो का एक छोटी सी क्लिप। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों का ये कहना है कि वो बंदर हनुमान जी से अपना दुख बांट रहा है, और इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है या आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो 1 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में एक व्यक्ति ने अपने फार्म हाउस में दुर्गा माता जी का मंदिर बनाया था, और जब वो पूजा करने के लिए वहाँ पर जाता है और तभी उसे दुर्गा माता जी के पास लिपटा हुआ एक सांप दिखाई देता है, मानो कि वो दुर्गा माता जी को रक्षा कर रहा होता है। और ये रहा उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। और आखिर में उस सांप को स्नेक रेस्क्यू वालों ने पकड़ लिया। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है या आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप दुर्गा माता जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये एक ऐसा वीडियो है जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पक्षी जो कि हवा में लटका हुआ है, और इसे लटका हुआ देखकर सारे लोग हैरान हो गए और उस पक्षी को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगे। और ये रहा वो वीडियो। सवाल ये है कि ये पक्षी हवा में लटका तो लटका कैसे, और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये सब भगवान जीजस ने ही किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।